Hey guys, how are you? I hope you guys are doing well. Today we are going to talk about the assignment, last date. Assignment submission की last date जो है वो कब है, हम इस बारे में बात करेंगे इस video में. इस video को पूरा देखना पूरी जानकारी के लिए. तो चलिए फिर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये एक नोटिफिकेशन है जो कि इग्नू ने अभी recently पब्लिश करा है 31st of March को. आज 6th of April है. मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इसको अपलोड करने में, बट मैंने पर्सनली स्टूडेंट्स को बताया था जिन लोगों ने भी मुझसे कॉन्टैक्ट किया है. तो जी हाँ, आपकी डेट्स जो है वो 30th of April तक बढ़ा दी गई हैं. जिन लोगों ने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करा, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके डेट्स को बढ़ा दिए गए. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई टाइम आपके पास सफिशियंट है, आप फटाफट लिखना स्टार्ट करो. 30th of April इज लाइक वेरी फार अवे फ्रॉम राइट नाउ, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिनिश योर असाइनमेंट. जो भी आपका वर्क है उसको आप फटाफट कर लें. अगर आपको असाइनमेंट की सॉल्व्स चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं. वी विल प्रोवाइड यू दैट असाइनमेंट्स. असाइनमेंट्स आर बेसिकली फ्री विद द नोट्स, बट इफ यू विल बाय बाय इंडिविजुअल असाइनमेंट्स दैट विल कॉस्ट यू. बट द कॉस्ट विच यू विल पे राइट नाउ लाइक वाइल बाइंग असाइनमेंट्स, यू कैन रिडीम दैट अमाउंट लेटर ऑन वाइल बाइंग आवर नोट्स. ठीक है ना, जो भी आप अभी पे करोगे असाइनमेंट्स को लेने के लिए वो पैसे आप बाद में रिडीम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ बाइंग आवर नोट्स. अगर आप नोट्स लेते हो तो उन पैसों को आप वहां पे रिडीम कर सकते हो. प्राइसेस ऑलरेडी नोट्स की जो है वो कम हो जाती है अगर आप असाइनमेंट्स को लेते हैं. तो अगर देखा जाए तो असाइनमेंट्स इस तरीके से हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही बात जो है मैं लोगों को कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ. दूसरी बात यहाँ पे जो मैं असाइनमेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि असाइनमेंट्स को आप अपने अपने हैंड राइटिंग में लिखिए. इग्नू इस बात को नोटिस कर रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैंड रिटन असाइनमेंट्स परचेस करके उसका स्कैन कॉपी बना करके सेंड कर दे रहे हैं. ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है एक्चुअली. आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं. आप अपने आंसर्स खुद से नहीं लिख रहे हो, विच इज वेरी बैड. अगर आप खुद से लिखोगे तो उसका बहुत सारे फायदे हैं. आपको एग्जामिनेशन के बारे में आइडिया होता है, आपको पता होता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो खुद से करना बहुत जरूरी है, तो कोशिश करो खुद से करने का. टाइम नहीं हो पा रहा है, मैं जिससे इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने असाइनमेंट्स को खुद से लिखें. ठीक है, वो ज्यादा सही रहता है. तो 30th of April आपका लास्ट डेट है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मेरा सजेशन होगा आप खुद से लिखें, सबमिट करें, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. असाइनमेंट सबमिशन का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है वो भी मैं भी आपको बता ही देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से. करना क्या है, आपने एक अपना जो सर्च बॉक्स है उसमें जाना है, उसमें टाइप करना है इग्नू असाइनमेंट. स्पेलिंग से ध्यान मत देना असाइनमेंट, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ उसमें गलती हो जाती है टाइप करते टाइम. मुझे गूगल जो है इसको सही समझता है. देखो असाइनमेंट स्टेटस चेक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है. यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है. ये डालने के बाद आपने सेलेक्ट करना है आपका प्रोग्राम कोड, अगर आपका एमकॉम है तो एमकॉम सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है. आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका असाइनमेंट स्टेटस, आपने सबमिट आपका सबमिशन इग्नू के पास हुआ है कि नहीं हुआ ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी. ठीक है ना, हालांकि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इस तरीके से आप चेक कर सकते हो. और ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के भी इसको आप ले देख पाओगे. ठीक है ना, सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए.